हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मजेदार साइंस की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे मतलब चश्मे के बारे में। चश्मे के बारे में नहीं, चश्मे के लेंस के बारे में। आपकी साइंस की किताब में आपने देखा होगा कि लेंस कई तरीके के होते हैं। तो लेंस कौन कौन से तरीके के होते हैं, वो कहाँ काम में आते हैं, उनके क्या गुण होते हैं और उनकी पावर को हम कैसे नापते हैं, उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत मज़ेदार तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंस कहाँ कहाँ काम में आते हैं। अगर आपको ये समझ आएगा कि लेंस कितनी ज़्यादा जगह काम में आते हैं, तब आपको ये लगेगा कि हाँ, लेंस के बारे में पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ों में काम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि लेंस कहाँ काम में आते हैं, हमारे चश्मे में। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि चश्मे में भी दो तरह के लेंस होते हैं। कुछ उन लोगों के लिए जो पास का ठीक से ना पढ़ पाए, और कुछ उन लोगों के लिए जो दूर का ठीक से ना पढ़ पाए। तो दोनों तरह के लेंस कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद सोचिए आपके घर में कितने लोग चश्मा लगाते हैं। अगर ये लेंस ना हो तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे या ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो ये तो एक चीज हो गई चश्मे के बारे में। और लेंस कहाँ काम में आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ लेंस होते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं इनको। ये आप जैसे इसमें देख रहे हैं, तो ये लेंस क्या करता है, अगर कोई चीज बहुत छोटी लिखी है या बहुत छोटा कोई चीज बहुत छोटी लिखी है तो हम इससे उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास आवर्धक लेंस है जो बड़ा करके दिखाता है, और इसको अगर मैं यहाँ इसके ऊपर रखूं और इसको मैं थोड़ा आपके कैमरे के पास में लाऊंगा, तब आपको दिखेगा कि ये अक्षर धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। देखा आपने, ये पहले इतने छोटे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखूं और देखिए इस ई को देखिए, और ये मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बड़ा होता जा रहा है। देखा आपने, तो ये आपने देखा, ये है आवर्धक लेंस। ये किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के काम में आता है। और कहाँ काम में आते हैं, जैसे कि ये कैमरा आपने देखा होगा, जो फोटोग्राफर होते हैं जो शादी में या किसी भी फंक्शन में फोटो खींचते हैं, उनके पास बड़ा कैमरा होता है, उसमें आगे लेंस लगा होता है, बिना लेंस के कैमरा नहीं काम कर सकता। और तीसरी चीज जो आप यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, वो है प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा क्लास में जब कभी कोई टीचर प्रोजेक्टर से आपको कोई चीज दिखाते हैं, या सिनेमा हॉल में जब पिक्चर चलती है तो वहां पर ऐसे बड़े प्रोजेक्टर लगे होते हैं। इसमें भी लेंस के द्वारा जो फिल्म है, जो कि जो भी आपको टीचर आपके पढ़ा रहे हैं, वो चीज आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है। और कहाँ लेंस यूज होते हैं, दूरबीन में। आपने देखा होगा ऐसी दूरबीन हम आंखों पर लगाते हैं जिससे हम दूर का देख पाए। दूरबीन के द्वारा हम बहुत दूर की चीजें देख सकते हैं। अगर किसी को बहुत दूर कोई बिल्डिंग देखनी है, या आपको दूर की चीजें जैसे कि कोई तारे या ग्रह देखने हैं जो आसमान में बहुत दूर हैं, उनको साफ देखने के लिए हम ऐसी दूरबीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी लेंस लगे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी दूरबीन भी होती हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको दोनों आंखों पर ऐसे लगाते हैं और इसके द्वारा हम देख सकते हैं दूर की चीजें, कि दूर की चीजें साफ दिखाई पड़े, वो तो ऐसा लगता है वो चीजें हमारे पास आ गई हैं और बड़ी दिख रही हैं हमको। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ लेंस यूज होता है, आपने देखा होगा आपकी विज्ञान की प्रयोगशाला में ऐसा, ये देखिए आपने देखा होगा विज्ञान की प्रयोगशाला में ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, सूक्ष्मदर्शी में बहुत छोटी चीजें, बिल्कुल इतनी छोटी कि वो हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते, इतनी छोटी चीजें होती हैं, उनको देखने के लिए उन चीजों को हम इसके नीचे यहाँ पर रख देते हैं और वो हमको बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में भी लेंस का प्रयोग होता है। और कहाँ होता है, आप सबने मोबाइल फोन का कैमरा तो यूज किया ही है। मोबाइल फोन के कैमरे में जहाँ से फोटो खींचते हैं उसके अंदर भी बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावर का एक लेंस होता है, जिससे कि इतने छोटे से कैमरे में ये फोटो खींच सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितनी सारी चीजों में लेंस का प्रयोग होता है। तो इसलिए आपको लेंस के बारे में क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, उसको समझना चाहिए।
तो आपने देखा कि कितनी सारी चीजों में लेंस का प्रयोग होता है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम की हैं, तो आपको इसका विज्ञान समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपको ये बताने के लिए कि लेंस कितनी तरह के होते हैं और उनमें क्या फर्क होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दो लेंस मैंने रखे हैं और ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं। इनमें क्या फर्क है? ऊपर से देखने में तो आपको लग रहा है कि ये दोनों लेंस गोल हैं, लेकिन अगर मैं इसको एक साइड से दिखाऊंगा तब आप देख पाएंगे कि ये लेंस बीच में से मोटा है और ये किनारे से पतला है। देखिए यहाँ किनारे से पतला है और यहाँ से मोटा है, दिख रहा है ना बिल्कुल साफ आपको? इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये बीच में से मोटा और किनारे से पतला है और इसकी जो पावर है उसको कहते हैं प्लस पावर। क्यों होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए ये दूसरा लेंस, ये दूसरा लेंस देखिए आप, ये किनारे से मोटा है, आप देख रहे हैं यहाँ से किनारे से मोटा है और बीच में से पतला है। इस लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। इसको अगर हम दूसरे तरीके से आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं उत्तल लेंस किनारे से पतला और बीच में से मोटा है, अवतल लेंस किनारे से मोटा और बीच में से पतला है। उत्तल लेंस को हम कहते हैं इसकी पावर प्लस में है क्योंकि ये हमें चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और अवतल लेंस की पावर माइनस में है क्योंकि ये हमें चीजों को छोटा करके दिखाता है। तो ये चीजों को छोटा और बड़ा करके कैसे दिखाता है, इसको देखने के लिए सबसे मजेदार तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए अभी मेरे एक हाथ में अवतल लेंस है और एक हाथ में उत्तल लेंस है। अब अगर इन दोनों लेंस को मैं अपनी आंखों पर लगाऊं और आप देखिए, आपको दिखता है ना कि मेरी एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी दिख रही होगी आपको इस टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये मेरी आंख को बड़ा करके दिखाएगा। देखिए आपको बड़ा होती हुई दिख रही है मेरी आंख, और ये जो अवतल लेंस है ये मेरी आंख को छोटा करके दिखाएगा, ये छोटा करके दिख रही है। तो अगर मैं यहां से दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि जैसे कि मेरी एक आंख छोटी और एक बड़ी हो गई है ना, मजेदार तरीका। चलिए अब हम आपको लेंस से कुछ मजेदार प्रयोग करके दिखाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि लेंस की पावर और उसकी फोकस दूरी क्या होती है और उसे हम कैसे नाप सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इन दोनों लेंस से कुछ प्रयोग करके दिखाते हैं कि इनसे हम कैसे किसी चीजों की पिक्चर या प्रतिबिंब या इमेज बना सकते हैं। तो देखिए मेरे दीवार पर एक दूर ट्यूबलाइट लगी है, अगर मैं इस लेंस की कागज से दूरी को ठीक से एडजस्ट करूंगा तो आप लोग बिल्कुल साफ देख पाएंगे कि उस ट्यूबलाइट की पिक्चर मैं इस कागज पर बना सकता हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ दिख रही है ट्यूबलाइट बनी हुई, और इस टाइम मेरी जो लेंस है ये यहाँ से करीब करीब इतनी दूरी पर है। अगर मैं दूसरा लेंस लूँ जिसकी पावर थोड़ी फर्क है तो ये दूरी बदल जाएगी, और ये देखिए, ये देखिए इसमें आपको साफ दिख रहा है, अभी ये लेंस की दूरी थोड़ा पास में है लेकिन मैं इसमें भी एकदम ठीक फोकस कर सकता हूँ, लगभग इस दूरी पर बिल्कुल साफ इमेज, बिल्कुल साफ पिक्चर बन रही है ट्यूबलाइट की। ठीक है, अब इसकी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा दूरी पर है, अब ये ट्यूबलाइट अनंत दूरी पर तो नहीं है लेकिन हमसे काफी ज्यादा दूरी पर है, इसलिए हम इस ट्यूबलाइट को लगभग अनंत दूरी पर मान सकते हैं अंदाजे से। ठीक है, तो अब उस केस में जो इसकी ठीक दूरी है, अगर अनंत दूरी की पिक्चर मेरी कागज पर जितनी दूरी पर बन रही है उस दूरी को हम कहेंगे फोकस इमेज, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये मैंने ये देखा, अब इसके बीच में अगर मैं अपने स्केल से नापूं कि कितनी दूरी पर है ये लेंस और लेंस और कागज, तो वो इसकी फोकस दूरी कहलाएगी। मैं इसको इससे नापने की कोशिश करता हूं और ये दूरी है मेरी लगभग 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और इसकी पावर को निकालने के लिए हम करते हैं 100 को भाग दे देंगे हम इसकी फोकस दूरी से, तो 100/10 मतलब 10। तो इस लेंस की पावर हो गई 10 डायोप्टर। ठीक है, लेंस की पावर को हम कैसे नापते हैं, उसका मानक है डायोप्टर। अब ये देखिए, ये दूसरा लेंस है, ये थोड़ा कम पावर का है, इसमें मैं देखता हूं कि कितनी दूरी पर ये ट्यूबलाइट की इमेज बिल्कुल ठीक बनती है। तो अब मैं दोबारा से उस ट्यूबलाइट की पिक्चर को इस कागज पर बनाने की
तो अब मैं दोबारा उसको देखिए, ये लेंस की दूरी को मैं बदल रहा हूँ। जब ये लेंस पास आता है तो ठीक से फोकस नहीं है। अब जितनी दूरी पर ये बिल्कुल ठीक फोकस हो रहा है और ट्यूबलाइट देखिए, ज़्यादा दूर ले जाता हूँ तो फिर फोकस खराब हो गया, ज़्यादा पास लेता हूँ तब भी फोकस खराब हो गया। ये बीच में एक जगह है जहाँ बिल्कुल ठीक फोकस पे मुझे एकदम साफ पिक्चर दिख रही है अपनी ट्यूबलाइट की कागज़ के ऊपर। ओके, तो अब ये मुझे दूरी नापनी है, इस समय मेरा लेंस कागज़ से कितनी दूर है। और इसको मैं अगर अपने स्केल से नापने की कोशिश करूं तो ये दूरी है लगभग, ये दूरी है लगभग 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये मेरा दूसरा लेंस है, इसकी फोकस, इसकी पावर कितनी हो गई, 100 को अगर हम 20 से भाग करें मतलब 5, इसका मतलब इस लेंस की पावर है 5 डायोप्टर। तो इस तरह से कोई भी उत्तल लेंस जो है उसकी हम फोकस दूरी भी और पावर भी नाप सकते हैं, अगर किसी दूर की चीज का प्रतिबिंब हम अपने कागज पर बनाने की कोशिश करें तो। तो अगर कोई बहुत, सो फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज बहुत दूर है और उसका प्रतिबिंब हम कागज पर बनाएं तो लेंस से कागज की दूरी जो है वो उसकी फोकस दूरी है, और 100 से उसकी दूरी, सेंटीमीटर में जो दूरी आई है उसको भाग दे दें उसको, तो जो नंबर आएगा वो उसकी पावर है। तो फोकस दूरी जितनी कम होगी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए मेरा जो 10 पावर का लेंस है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और जो मेरा 5 डायोप्टर का, 5 पावर का लेंस है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब फोकस दूरी और पावर को जब गुणा करते हैं तो हमेशा 100 आना चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बहुत दूर की चीज, अब जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ये सूरज जो कि बहुत दूर है उसका प्रतिबिंब, उसकी पिक्चर हम कागज पर बना रहे हैं, तो उस दिशा में जो लेंस से कागज की दूरी है वो फोकस दूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, क्योंकि इससे सूरज क्योंकि इतना ज्यादा गर्म है और ये उसकी गर्मी यहाँ पर एक बिल्कुल छोटे से बिंदु पर फोकस हो जाएगी तो कागज जल भी सकता है, इसलिए कभी ये काम करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे में अगर आपका लेंस, उसकी पावर 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि 20 को गुणा 5 से करेंगे तो 100 आना चाहिए। जब 100 को फोकस दूरी से भाग देंगे तो पावर आ जाएगी। YouTube पर आई लव साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे मज़ेदार वीडियो बनाने वाले हैं साइंस के बारे में। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये सारे वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू।